हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मॉडिफाई ऑपरेटर के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 8 है। इसमें हम बस कौन सा ऑपरेटर पढ़ेंगे? मॉडिफाई ऑपरेटर, बस एक ही ऑपरेटर पढ़ेंगे। वो कौन सा है? मॉडिफाई ऑपरेटर, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही यूज़फुल ऑपरेटर है और ये इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, बस एक ही ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अभी से याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। अब क्या है फ्रेंड्स, ये है एक यूरिनरी ऑपरेटर। अब मैंने आपको पहले बताया था यूरिनरी ऑपरेटर के लिए, ऐसे करके आपको बताया था। अब वो कौन सा है, यही ऑपरेटर आता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, ये इंक्रीमेंट, ये दो टाइप के होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट के भी दो टाइप होते हैं, ये पहले इंक्रीमेंट हुआ है तो प्री, ये हुआ है पहले इंक्रीमेंट तो प्री इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट हुआ है वेरिएबल की तो वो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अब डिक्रीमेंट में तो होता है, ये पहले डिक्रीज हुआ है फिर वेरिएबल है, या बाद में वेरिएबल, वो बाद में डिक्रीज हुआ है पहले वेरिएबल आया, तो ये प्लस प्लस वेरिएबल लिखा है, मतलब प्लस प्लस ए। ये क्या है, वेरिएबल ए प्लस प्लस। अभी क्या है, माइनस माइनस ए, माइनस माइनस ए वेरिएबल आ गया, ए माइनस माइनस, ये पोस्ट, पोस्ट में डिक्रीमेंट। बस ये सीधा बताता है, ये बताता है सीधा सीधा पोस्ट, मतलब बाद में डिक्रीज करना है, ये पहले डिक्रीज करना है, ये बाद में इंक्रीज करना है, पहले इंक्रीज करना है। ये खुद बताता है अपने नाम पे, प्री इंक्रीमेंट। वो कहता है पहले इंक्रीमेंट करें फिर वेरिएबल लिखें, ये खुद बताता है। फिर ये बताता है पोस्ट, बाद में इंक्रीमेंट करें पहले वेरिएबल लिखें, ये खुद बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आया होगा आपको समझ में। तो अब ये क्या है, अब देखते हैं ये क्या है। इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक से होता है, इंक्रीमेंट बढ़ता है और घटता है, जो क्या किससे होता है, वो एक से होता है, एक नंबर बढ़ता है या एक घटता है। अब देखिए, ये प्लस प्लस ए है। अब ये प्लस प्लस, पहले इंक्रीमेंट लिखा है तो कौन सा हो गया, ये प्री इंक्रीमेंट। अब ये कौन सा हो गया, ये हो गया प्री डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीज होगा फिर वेरिएबल लिखा जाएगा। ए में जो था उसमें एक और ऐड हो जाए, कर दो, मतलब ये क्या है, प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए क्या बता रहा है हमारे पास, कि ए की वैल्यू मान लीजिए 10 थी, तो अब ए की वैल्यू क्या कर दो, उसमें एक प्लस और कर दो, मतलब 11 वैल्यू कर दो उसकी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या बता रहा है, ए माइनस माइनस, की ए की वैल्यू 10 थी तो उसमें एक माइनस कर दो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना ही बताता है। अब ये देखते हैं, इन जनरल ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस ए मतलब ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए जो है, वो दोनों चीज़ें क्या करती है, एक का इंक्रीमेंट कराती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ क्या करती है, एक का इंक्रीमेंट करवाती है। दोनों में इस एक से इंक्रीमेंट होता है, बस डिफरेंट ये है कि कोई पहले इंक्रीज होता है बाद में यूज़ होता है, कोई पहले यूज़ होता है बाद में इंक्रीज होता है। इसमें पहले इंक्रीज हुआ फिर बाद में यूज़ हुआ, इसमें पहले यूज़ हुआ बाद में इंक्रीज हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं, अब ये क्या है, अब ये है फाइंड आउटपुट इंट ए इक्वल टू 2 प्लस प्लस ए, मतलब पहले इंक्रीमेंट करी फिर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ी, ये है। अब इसमें है पहले वेरिएबल की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट। तो अब फ्रेंड्स क्या है, अब प्रिंट एफ परसेंट डी ए, प्रिंट एफ परसेंट डी और ए, ये हो गया। तो अब इसमें क्या है, हमारे को प्रिंट करानी है इंटीजर वैल्यू, जो कि कहाँ से आएगी, ए से। अब ए में क्या है, ए की वैल्यू पहले थी, देखिए ऐसे समझते हैं, ए की वैल्यू थी हमारी 2, मगर उसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया तो ये हो गई वैल्यू 3, तो आउटपुट आया हमारा 3। अब इसमें भी सेम यही है, ए की वैल्यू थी 2 मगर उसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया तो वैल्यू हो गई 3, तो आ गया हमारा 3 आउटपुट। तो डिफरेंस इज ओनली प्री एंड पोस्ट, तो बस डिफरेंस क्या है, प्री और पोस्ट का। अब हमारे को सीधा ये दिया है तो हमारे पास तो सीधा डिफरेंस ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अब इसका यूज़ कब पड़ेगा हमारे को, अब पड़ेगा देख, इंक्रीमेंट। अब ये इंक्रीमेंट है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर वेरिएबल लिखा जा रहा है। अब ये पहले क्या है, वेरिएबल लिखा जा रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है।
तो अब हमारे को इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, ये पहले इंक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू बाय वन, पहले क्या होगी वैल्यू बढ़ेगी एक से, एंड देन यूज दैट वैल्यू, उसके बाद क्या करी जाएगी ये वैल्यू यूज करी जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, प्लस प्लस ए का मतलब होता है पहले एक वैल्यू बढ़ा दो ए की, फिर उसे यूज करो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस प्लस का पहले फर्स्ट यूज द वैल्यू, पहले ए की वैल्यू को यूज करो उसके बाद बढ़ाओ उसे एक से, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं क्या है, अब ए इक्वल टू टू बी, और बी की क्या है हमारा, बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, मतलब क्या है, हमने पहले जो हमारे पास वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी टू और बी की में क्या था गार्बेज वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं थी। तो अब क्या है, ए वो प्लस प्लस ए लिखा है, प्लस प्लस ए मतलब ए की वैल्यू पहले बढ़ा दो, तो ए की वैल्यू हो गई 3। अब वो कम करेंगे, बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ए इक्वल टू ए प्लस वन, पहले क्या करी ए की वैल्यू बढ़ा दी, फिर उसके बाद क्या करा, फिर उसे यूज़ कराया बी इक्वल टू ए, फिर कराया तो बी में भी आ गया आपका 3। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। अभी देखते हैं सेकेंड, अभी एग्जाम्पल दे रखा है, अब इसमें ए प्लस प्लस, पहले क्या है ए की वैल्यू को यूज़ करना है फिर इंक्रीज करना है, तो मतलब क्या हो गया, बी इक्वल टू ए करेंगे तो क्या आएगा, जब तक वैल्यू क्या है ए की वैल्यू 2 है पहले, बाद में हुई है ना उसकी वैल्यू इंक्रीज, तो बी में क्या आएगा हमारा, गार्बेज की हटा करके 2 आ जाएगी वैल्यू, और जो ए की वैल्यू है फिर बढ़ेगी वो एक से, तो फिर आएगा 3। तो इसमें आउटपुट होगा हमारा 3 2, पहले वैल्यू यूज हुई फिर क्या हुई इंक्रीज हुई, तो हमारा जो आउटपुट आया उसमें 2 की जगह 2 ही रहा, 3 नहीं हुआ, क्योंकि हमारी पहले इंक्रीज नहीं हुई वैल्यू, यहाँ इंक्रीज हुई थी यहाँ, तो 3 3 हो गया। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा आई होप। अब ये देखते हैं, अभी एक और एग्जाम्पल है, क्या है, अब ये है डिक्रीमेंट का एग्जाम्पल, ऊपर हमने इंक्रीमेंट का लिया, अब ये डिक्रीमेंट से देख लेते हैं। अब ये माइनस माइनस ए, ये क्या है, पहले क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और फिर क्या कर रहे हैं वैल्यूज, इसका मतलब यही है, फर्स्ट डिक्रीज वैल्यू बाय वन देन यूज इट वैल्यू। तो अब इसे देखते हैं क्या हुआ, अब यहीं देख लेते हैं पहले, ये माइनस माइनस ए और ये ए माइनस माइनस ए, दोनों का मतलब सिंपल ये है कि दोनों को क्या करना है, एक से घटाना है, किसी में पहले लिखा है किसी में बाद में, दोनों का आउटपुट क्या आएगा सेम आएगा, ये हो गया। अब ये सेकेंड है, सेकेंड में क्या है, अब इसमें आ गई बी वाली बात, मतलब दोनों आ गए ए और बी, तो अब इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या है, ए माइनस माइनस ए पहले डिक्रीज करें फिर वैल्यू को यूज़ करें, ये ना फर्स्ट डिक्रीज वैल्यू बाय वन देन यूज दैट वैल्यू, और इसमें क्या है पहले वैल्यू को यूज़ करें फिर उसके बाद डिक्रीज करें, इसके वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा, जब आप थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जब आपको पता चल जाएगा। तो अब ये देखते हैं कैसे है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट डिक्रीज द वैल्यू, पहले वैल्यू घटा दो, ए इक्वल टू ए माइनस वन, ए की वैल्यू ए घटा दी, फिर उसे यूज करा बी इक्वल टू वन, बी इक्वल टू ए जब कराया हमने, तो हमने एक वैल्यू घटा दी, तो ए की वैल्यू क्या थी पहले, ए की वैल्यू थी आपकी 2, एक हमने घटा दी तो वैल्यू हो गई इसकी 1। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसकी पहले कर दी तो क्या, पहले ही इसकी वैल्यू हो गई बी की, तो बी की वैल्यू भी गार्बेज हट के क्या आ गई, 1 आ गई, तो अब जब हम आउटपुट देखेंगे तो 1 एंड 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है, पहले हम यूज़ करेंगे वैल्यू को, यूज़ करेंगे तो बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 ही रहेगी उसकी वैल्यू, मगर जब हम बाद में देखेंगे तो बाद में उसको एक से घटाएंगे, एक से घटाएंगे, तो ए की वैल्यू एक से घटी तो 1, जब आउटपुट आया तो क्या आ गया 1 एंड 2 आउटपुट, ये आ गया आउटपुट, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया होगा आपको समझ में। अब देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या है, नोट एज पर स्टैंडर्ड वी आर नॉट अलाउड टू इंक्रीज डिक्रीज मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल मोर देन वंस बिटवीन टू सीक्वेंस पॉइंट। अब क्या है, जैसे कि जो स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि, तो वो हमारे को अलाउड नहीं है इंक्रीज डिक्रीज करना एक से ज़्यादा बार, एक से ज़्यादा बार मतलब कि जैसे कि ये लिखा हुआ है प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए, ये जो हमने इतनी बार लिख रखा है इतनी बार लिखना अलाउड नहीं है, वो तो अलाउड होगा तो फिर उसमें क्या हुआ, देयर फॉर वे वेन मोर देन वन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देन इट इज
ये कंपाइलर डिपेंडेंट है, जब एक से ज्यादा हमारे पास प्लस माइनस होंगे तो सब कंपाइलर जो होंगे वो अलग अलग क्या देंगे हमारे को आउटपुट, तो ये कंपाइलर डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए एक से ज्यादा अलाउड नहीं होता हमारे में प्रोग्राम में, तो इसका जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमारा अनएक्सपेक्टेड होगा, वो कंपाइलर पे डिपेंड करेगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या होगा। अब ये क्या है, एंड और प्रायोरिटी बताते हैं ऑपरेंड किस ऑपरेटर के साथ अटैच होगा। अब ये एंड और जो ऑपरेटर होते हैं जो हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं आपकी प्रायोरिटी की जो ऑपरेटर होगा वो किसके साथ अटैच होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे।